वेलकम बच्चों, जेई मेंस के फिजिक्स के एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है कि द मशीन एज शोन हैज़ टू रॉड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर कनेक्टेड बाय अ पिवट एट द टॉप। यानी एक मशीन है जिसमें दो रॉड है जिसका लेंथ 1-1 मीटर दिया हुआ है और ये कनेक्टेड है आपस में एट द टॉप। ठीक है, द एंड ऑफ वन रॉड इज़ कनेक्टेड टू द फ्लोर बाय अ स्टेशनरी पिवट। ठीक है, एंड द एंड ऑफ द अदर रॉड हैज़ अ रोलर दैट रोल्स अलॉन्ग द फ्लोर इन अ स्लॉट। मतलब एक कोना रॉड का फिक्स कर दिए हैं और ये दूसरा कोना मूव कर सकता है एक स्लॉट में। ठीक है, एज द रोलर गोज बैक एंड फोर्थ ए 2 kg वेट मूव्स अप एंड डाउन। यानी जैसे इसको आगे पीछे करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो यहाँ वेट रखे हैं इसके ऊपर, ये ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, मूव्स अप एंड डाउन। तो पूछ रहा है इफ़ द रोलर इज मूविंग टुवार्ड्स राइट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड देन द वेट मूव्स अप विद अ। ठीक है, यानी इसको अगर हम राइट भेज रहे हैं एक कॉन्स्टेंट स्पीड से तो ये किस स्पीड से ऊपर नीचे जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ये चार दिए हुए हैं, स्पीड विच इज 3/4 ऑफ दैट ऑफ द रोलर व्हेन द वेट इज 0.4 मीटर, कॉन्स्टेंट स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये सिंपल एक कंस्टेंट मोशन का सवाल है जिसमें आप कंस्टेंट मोशन में एक्सेलरेशन A1, A2, A3 का रिलेशन निकालते थे, यहाँ उसी तरह आपको वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। इसको बनाने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से एक बेस पे, और इसको मैं बोल देता हूँ वाई। ठीक है, ये देखिए कि ये दोनों लेंथ हमेशा 1 है, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो बाइसेक्ट भी करेगा इसको। और ये लेंथ अगर पूरा एक्स है तो ये जो इतनी दूरी आई ये आपका हो जाएगा x/2। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है ये दोनों साइड 1-1 लेंथ का ये रॉड है, तो चाहे ये आगे पीछे मूव करे और ये वाला पॉइंट ऊपर नीचे जाए, यानी एक्स और वाई चेंज होगा लेकिन ये लेंथ आपका चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज सेम। तो इससे आप इक्वेशन लिख सकते हो कि x/2 2 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, यानी 1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो इस राइट ट्रायंगल में अपन लिख सकते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यह है x/4 y/2 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4, बाहर ले लीजिए, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू dx/dt प्लस ट्वाइस ऑफ वाई dy/dt इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कांस्टेंट था 1 तो 0 हो गया। अपने को निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ 2 kg यानी dy/dt। तो यहाँ से आप dy/dt को क्या लिख सकते हो? आप dy/dt को लिख सकते हो माइनस x/4 dx/dt, यही आ जाएगा माइनस x/4 dx/dt। dy/dt क्या है? कुछ नहीं है, इसका वेलोसिटी है, और dx/dt इसकी वेलोसिटी है। तो ये दिया हुआ dx/dt कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट स्पीड से उसको हम लोग राइट में मूव कर रहे हैं, तो dx/dt कांस्टेंट है। और देखिए dx/dt निगेटिव होगा क्योंकि x की वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है, तो ये आपकी निगेटिव है, तो ये निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो रहा है, यानी y आपका बढ़ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ये तभी पता कर पाएंगे जब अपने को x और y की वैल्यू पता हो, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस ट्रायंगल में x/2 y क्या बन जाएगा? ये बेस बाई परपेंडिकुलर यानी ये कॉट थीटा बन जाएगा। अगर आप इस एंगल को थीटा बोल दो तो कॉट ऑफ थीटा क्या लिखोगे? ये लिखोगे आप x/2 y, है ना। तो यहाँ से x/2 y को कॉट थीटा बना दो तो dy/dt क्या आ जाएगा? माइनस कॉट थीटा बाई 2 इंटू dx/dt। तो अब देखिए कि एंगल क्या होगा, जैसे ये पॉइंट अंदर की ओर जाएगा, राइट की ओर जाएगा, एंगल आपका बढ़ता जाएगा, और एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या होगा? कॉट थीटा आपका घटता जाएगा, कॉट थीटा डिक्रीजिंग होगा, है ना, क्योंकि कॉट 0 इन्फिनिटी होता है और कॉट पाई बाई 2 0 होता है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट राइट साइड में मूव कर रहा है, कॉट थीटा घटता जा रहा है, और ये अपने को कांस्टेंट दिया हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड से राइट में जा रहा है, लेकिन कॉट थीटा की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, तो ये घट रहा है, मतलब ये वाली चीज़ ऊपर जाएगा किस स्पीड से? डिक्रीजिंग स्पीड से। तो आंसर आपका होगा सी, डिक्रीजिंग स्पीड, है ना, समझ में आ गया। बस ये इक्वेशन आपको लिखना था
और इसके बाद सिंपल डिफरेंशिएट करके आर्ग्यू कर लेना था, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना रहता है कंस्ट्रेंट इक्वेशन में। आप कंस्ट्रेंट निकालिए क्या है, और एक बार कंस्ट्रेंट निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसमें कंस्ट्रेंट यही था कि ये रॉड का लेंथ चेंज नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।